बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई एम आमना एंड आई एम योर टीचर ऑफ उर्दू क्लास 6। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिलीज एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट द प्रेजेंट पेंडेमिक कोविड-19, सो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर ऑफ उर्दू। So you may open your Urdu big book and get ready for it. Today's our topic is story. कहानी नंबर 1, अदले का बदला। इस कहानी में दो किरदार होते हैं, एक अमीर सौदागर और दूसरा उसका करीबी दोस्त होता है। अमीर सौदागर को एक दफ़ा लंबे सफ़र पर जाना पड़ता है और उसके पास उस वक्त 100 मन लोहा होता है और कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ वो उसे महफूज रख सके और जब वापस आए तो उसे उसी हालत में मिले। वो अपने उसे करीबी दोस्त के पास जाता है और उससे पूछकर अपना वो लोहा उसके पास अमानत रखवा देता है। जब सौदागर सफ़र से वापस आया तो उस दोस्त से अपना सोना वापस लेने गया। उसके दोस्त ने बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कही कि आपका सोना इस शहर के चूहे खा गए हैं। सौदागर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसकी रोने वाली शक्ल बन गई, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त को कुछ ना कहा और उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चल पड़ा। कुछ दिनों बाद सौदागर अपने उस दोस्त को और उसके घर वालों को अपने घर दावत पर बुलाता है। रात को सब दावत में मसरूफ़ थे और हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि सौदागर ने अपने दोस्त के उस बच्चे को कहीं छुपा लिया। जब सब लोग दावत से फारग होकर चलने लगे तो बच्चे की तलाश शुरू हुई। सौदागर का दोस्त और घर वाले सब उस बच्चे के लिए बहुत परेशान हो गए थे। सौदागर अपने दोस्त से कहता है कि बच्चे को ढूंढने की कोशिश बेकार है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि उसे चील उड़ाकर ले गई है। उसका दोस्त बोला, ये कैसे मुमकिन है? सौदागर बोला, मुमकिन क्यों नहीं, जिस शहर के चूहे लोहा खा सकते हैं उस शहर की चील बच्चे क्यों नहीं उठा सकती? सौदागर का दोस्त बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि आप अभी मेरे साथ चलकर अपना सोना वापस ले लेना। इस बात पर सौदागर अपने दोस्त से कहता है, मैं अपना लोहा वापस ले लूँगा, तुम भी अपना बच्चा वापस ले लेना। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी ज़रूर बुरा होगा, क्योंकि ये दुनिया मकफ़ाते अमल है, अदले का बदला ज़रूर मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सबको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट दीज नोट्स ऑन योर नीट कॉपीज। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यू मे Keep praying from Allah Subhanahu wa Taala to keep us safe and all the people around the world and present pandemic of COVID-19.